बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और बैफू आपके साथ सुषमा ठाकुर। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना की पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब एक स्कॉर्पियो और एक कार से भारी मात्रा में नेपाली देसी शराब को जब्त किया गया। पुलिस को पहले से ही गुप्त सूचना था कि आज 5 बजे सुबह में शराब की खेप इस रास्ते से जाएगी। वहीं पुलिस पहले से ही अलर्ट हो गई और दोनों गाड़ियों में लदी नेपाली देसी शराब को बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि दोनों गाड़ियों को एक शादी समारोह के नाम पर शराब लोड करके दरभंगा जिले ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने दरभंगा ले जाने के क्रम में बसेट दरभंगा मुख्य मार्ग पर चेकिंग की और फिर दोनों गाड़ियों से भारी मात्रा में नेपाली देसी शराब को जब्त कर लिया। उसके बाद दोनों गाड़ियों में सवार ड्राइवर एवं अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बेनीपट्टी थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि एक भी क्राइम करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनाते हैं बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। जो सहरघट का है विष्णु कुमार है, जो गंगवार सदर थाना दरभंगा का है, संजय कुमार चिरौत का है और दो लड़के नूर आजम और चुन्नू, ये देवरा बंधौली जाले के हैं। जाएगी हम लोग कार्रवाई करते जाएंगे और किसी को हम लोग नहीं बख्शेंगे। ऐसे ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।